गिर जाना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ऑफ सॉल्वेंट का बेटे बाई सल्यूट की वजह से। दूसरे लफ्जों में बेटे हम सिंपल भी कह सकते हैं किसके अंदर बेटे, इन सल्यूशन। ज़ारा जब आपने सॉल्वेंट के अंदर बेटे सल्यूट डाल दिया तो वो तो बन भी सल्यूशन गया, फिर वो तो सल्यूशन बन गया। अब हम देखते हैं बेटे इसको किस तरह से हम कोशिश करें कि एक्सप्लेन हो जाए, ये बात किस तरह से वाजे हो जाए। अब बेटे इसके लिए हमने पहले नंबर पे तो एक ग्राफ सीखना है, फिर लिखेंगे बाद में, पहले ग्राफ सीखना है। ग्राफ के लिए बेटे हमने ये काम बेटे करना है, तवज्जो से, आपकी टेक्स्ट बुक की तरह ही बनाऊंगा वैसे, या बल्कि ए बी सी डी भी उसी तरह ही रखूंगा। जैसे यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटे, टम्परेचर ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, और बेटे वाई एक्सिस जो है ना, ये सीधा ज़रा बना लीजिएगा लाइन बेटे, शायद सीधी नहीं बनी। तो यहाँ पे आपने लेना है बेटे वेपर प्रेशर लेना है वाई एक्सिस पे आप वेपर प्रेशर बेटे लोग। अब आपने याद रखनी है तीन चार बातें, वो बातें जो हैं मैं पहले एक साइड पे लिख दूंगा ताकि आपको याद रह जाए बेटे। पहला नंबर आपने याद रखना है कि बेटे फ्रीजिंग पॉइंट एफपी में लिखूंगा वैसे, फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? ये फ्रीजिंग पॉइंट बेटे उस वक्त होता है जब बेटे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। अजीब बात कह रहा हूँ वैसे बेटे, कह रहा हूँ सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, इसका मतलब सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता होगा। तो ये बात बेटे हमने बतानी, एक तो ये। दूसरे नंबर पे हमें बेटे याद रखना चाहिए, समझ के लिए ज़रूरी है, समझ के लिए लिख रहे हैं, वैसे इसका कोई बोर्ड से ताल्लुक नहीं। दूसरे नंबर पे हमने बेटे देखना है कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और बेटे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा होता है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का थोड़ा होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, याद रखना ये भी, साथ इसके लिख रहा हूँ बेटे। नेक्स्ट लिख रहा हूँ जिसका बेटे पी नाट बड़ा होगा, तो मैं एरो लगा के लिखने लगा हूँ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा होगा, हाई होगा। और बेटे अगर जिसका बेटे वेपर प्रेशर छोटा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होगा, थोड़ा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ज़्यादा वेपर प्रेशर में तब्दीली आएगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा गिरेगा, इसका भी बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। जितना बेटे वेपर प्रेशर में ज़्यादा तब्दीली आएगी वो तो उसी तरह का ही है जिस तरह की बात एलिवेशन में थी, जितनी डेल्टा पी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा। लेकिन ये तो उधर भी आप अप्लाई कर सकते हो ना, जैसे हमने किया था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन बेटे फ्रीजिंग पॉइंट को रेज करके आप यही बात लिख सकते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये तो सारा कुछ एक जैसा हो गया, इसका ताल्लुक बोर्ड से नहीं है, इसका ताल्लुक बेटे बोर्ड से नहीं। अब हम एक बात बना रहे हैं, ज़रा गौर करना, आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है कि ए पॉइंट से हमने शुरू किया है सॉल्वेंट, किससे बेटे ए से, ये पॉइंट ए से कह रहा है जी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और बेटे इसके साथ दूसरा देख लेते हैं कि सॉल्यूशन के लिए क्या ले रहा है, और कह रहा है जी डी जो है डी वो सॉल्यूशन के लिए। ये ज़रा गौर करो बेटे, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है डी,
जरा बताओ का सेम टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? सॉल्वेंट का, वो रेड वाला सॉल्वेंट का मैंने बनाया है। सेम टेम्परेचर, अभी हम कह भी रहे थे सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, सोल्यूशन का थोड़ा होता है। तो अब मुझे बताएं बेटे, टेम्परेचर मैंने कम करना शुरू कर दिया, जब टेम्परेचर मैंने कम किया तो बेटे फॉलिंग ग्राफ बना, और अगर मैं कह दूं मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर राइजिंग ग्राफ कह दूंगा। बेटे टेम्परेचर बढ़ाया, राइज हो रहा है, कम कर रहा हूँ, कम हो रहा है। एक वक्त आ गया बेटे, एक वक्त आया है जहाँ पे बेटे ये जो पॉइंट आया है इस पर क्या हुआ बेटे, इससे पर चीज़ फ्रीज हो गई, और बेटे इससे आगे जो ग्राफ हमारा बना है, जो इससे आगे हमारा ग्राफ बना है वो डॉटेड वाला, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है। किसका बेटे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट है। तो मुझे बताओ ये कौन है बेटे? ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और बेटे इधर क्या लिख रहा हूँ ज़रा गौर करना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कह रहा हूँ, सॉलिड सॉल्वेंट। अब मुझे बताओ बेटे, हम इसके नाम भी वही रख रहे हैं बेटे, ए बी और बेटे सी हमने नाम रख लिया है, ए और बी और सी मैंने इनके नाम रख लिए एज पर टेक्स्ट बुक, जैसे टेक्स्ट बुक कहती थी। अब मुझे बताएं कौन सा पॉइंट ऐसा है जिस पर बेटे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट बराबर हो गया है, हमने कहा बी पे। इस टेम्परेचर का नाम क्या रखेंगे? टी नाट, या आपकी बुक के मुताबिक इसका नाम हम रख सकते हैं टी बेटे टू, इसका नाम क्या रख सकते हैं? टी टू। वैसे तो इसको हम क्या रखते थे? टी वन रखते थे। अब देखिए बेटे, इसका टेम्परेचर मैंने कम किया बेटे, सोल्यूशन का टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ, ग्राफ में देखो नीचे को आता जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आ गया ये भी वेपर प्रेशर ऑफ किसके बराबर हो गया? सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो गया। इसका नाम मैं ई रख रहा हूँ। इस जगह पे बेटे हमारे पास जो जवाब आएगा इसका नाम क्या रखेंगे? सोल्यूशन है तो फिर रखेंगे टी, सोल्यूशन के लिए टी रखते हैं, प्योर सॉल्वेंट के लिए टी नाट रखते हैं। अब बताओ बेटे ये जो फर्क पड़ा है, ये जो टम फर्क पड़ गया ये कौन है? ये है बेटे डेल्टा टी एफ, ये है डेल्टा टी एफ बेटे, ये डेल्टा टी एफ है। लेकिन एज पर बुक हम कर लें अगर, तो फिर उसका नाम हम क्या रखेंगे? टी वन, और बेटे टी टू रखा हुआ है हमारी बुक ने, तो ये टी वन रखा हुआ है या टी टू रखा हुआ है, तो फिर बेटे टी वन में से टी टू निकालना पड़ेगा ना। चलो खैर जैसे रखा वो हम लिख लेंगे, ये क्लियर हो गया। इसमें बेटे ये कौन है? ये है बेटे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो फ़र्क पड़ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। और बेटे इसको मैं टी टू भी कह रहा हूँ आपकी बुक के मुताबिक, और इसे मैं टी वन चलो कह लेता हूँ। तो बेटे टी नाट किसको कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ बेटे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टी नाट को कह रहा हूँ बेटे। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला, इसको मैं कह रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने सॉल्यूशन का नाम रख दिया। गौर कर लो बेटे, जो ऊपर बातें की थी सारी हमने वही की हैं, ठीक है। तो अगर बेटे मैं ये करूं और ज़्यादा सॉल्यूट डाल दूँ, ये लाइन यहाँ आ जाए, मुझे बताओ कहाँ ज़रा ग्राफ यहाँ नहीं आ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा। और अगर मैं सॉल्यूट निकालना शुरू कर दूँ, ये ग्राफ ऊपर चलता 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 रेड के साथ जाके मिल जाएगा, अगर मैं सल्यूट निकालता चला जाऊं। तो अब बेटे इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से बेटे बात कर रहे हैं, देखते हैं इसमें हमने क्या क्या बेटे बतानी है। पहला बेटे, इन अ सल्यूशन ऑफ, एक सल्यूशन में सल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, ना उड़ने वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटे,
इन अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्वेंट में वोलाटाइल सॉल्वेंट में द फ्रीजिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट असल में सॉल्वेंट का काम होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है डिक्रीजेस हो जाता है डिक्रीजेस दिस डिक्रीज दिस डिप्रेशन ये जो कमी आती है लोवरिंग होती है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है ठीक है बेटे इज कॉल्ड इसी का बेटे नाम रखा जाता है क्या बेटे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसी को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इसी का नाम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसी को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई इसको जाहिर कैसे किया जाता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई इसे बेटे जाहिर किया जाता है डेल्टा बाई डेल्टा टी एफ के बाई डेल्टा टी एफ से इसे जाहिर किया जाता है ये जवाब हमारे पास आ गया असल मसला क्या हुआ बेटे असल मसला ये हुआ कि वेपर प्रेशर में कमी आ गई अब इसको कर रहे हैं एक्सप्लेन बेटे एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटे एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बातें हमारे पास बेटे आ जाएंगी तो क्वांटिटेटिवली हम इसे कुछ बातें करने लगे और करिएगा बेटे क्या बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बेटे द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कमी आना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आ रही होती है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट की कमी आ रही होती है किसके अंदर बेटे सॉल्यूशन में डिपेंड ऑन उसका ताल्लुक होता है डिपेंड ऑन बेटे मोलैलिटी उसका ताल्लुक मोलैलिटी पे होता है सॉल्यूट के मोल्स की मकदारों पर होता है इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी बी किसके बराबर हुआ बेटे इधर लिख रहा हूँ बेटे डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ये हमारा पहला एक्सप्रेशन बेटे बन गया अब इस एक्सप्रेशन का नाम हमने रखा बेटे वन अब इससे आगे बढ़े तो लिखा बेटे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और एम यहाँ के एफ कौन है के एफ हमारे पास जो है उसका नाम आप रख लें बेटे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और बेटे जो हमारा एम है वो है मोलैलिटी ये दो चीज़ें हो गई अब बेटे लेकिन हमें पता है कि मोलैलिटी किसके बराबर होती है बट मोलैलिटी एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट के डिवाइडेड बाई किस पे हमने डिवाइड किया था पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के नहीं कह रहा सॉल्वेंट के किलोग्राम में ये डेफिनेशन है मोलैलिटी की अब इसमें बेटे इस ऊपर की जगह पे क्या लिखना है हमने ज़रा तवज्जो करेंगे ऊपर हम लिख रहे हैं बेटे मैस ऊपर लिख रहे हैं सल्यूट का ऑफ सल्यूट ले रहे हैं उसी के मोलर मैस पे डिवाइड कर रहे हैं उसी पे मॉलिक्यूलर मैस पे डिवाइड कर दिया और बेटे डिवाइड किस पर कर रहे हैं उससे नीचे हम क्या लिख रहे हैं उससे नीचे डिवाइड हम किस पर कर रहे हैं फिर हम बेटे उसे डिवाइड करिए है हमने क्या किया ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लिया और बेटे उसे डिवाइड हमने कर दिया 1000 पे अब रीअरेंज करो इसकी सिंबलाइज कर लो बेटे अब मैंने बेटे दोबारा मोलैलिटी लिखा है और ये वाली लाइन मैंने लगा दी है बेटे अब इनको अलामतों से मैं लिखने लगाऊँ बेटे सिंबल से लिखने लगाऊँ मैस ऑफ सल्यूट को
मैंने W2 लिख दिया उसके मॉलिक्यूलर मास को M2, और ग्राम वाले को मैंने W(1) लिख दिया और 1000 पे मैंने डिवाइड कर दिया। इसको करो रीअरेंज, जवाब हमारे पास आ गया M=W2/M2 और बेटे N(2000)/W1, और ये सारी की सारी वैल्यू हमने M की जगह पे रखनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू रख दें, ठीक है बेटे, इन किस में, इन एक्सप्रेशन वन, वी हैव एक्सप्रेशन वन में रख दो, वी हैव, हमारे पास ये चीज़ बेटे आ जाएगी। कहाँ पे ये वैल्यू रखनी है, इस M की जगह पे बेटे, इस M की जगह पे ये वैल्यू रख के देखते हैं बेटे क्या हमारे पास जवाब आता है। तो बेटे डेल्टा टी एफ और A=KF, देखते भी जाना है आपने गौर से बेटे। नेक्स्ट लिख रहा हूँ N(2W)/2N(2000)/, किस पर हम कर रहे हैं बेटे, डिवाइड कर रहे हैं M2 पे, सल्यूट के मॉलिक्यूलर मास पे और बेटे सॉल्वेंट के वजन के। इसी को रीअरेंज अगर करें तो हमारे पास M2 हम यूजली निकालना होता है, डिटरमिन करना होता है, तो बेटे हमने M यहाँ ले गए और बेटे ये सारी चीज़ें देखते हैं कहाँ कहाँ रखे, ये M इधर ले गया, KF मैंने ऊपर रहने दिया बेटे, ऊपर ही होना चाहिए था, डेल्टा TF नीचे ले गया हूँ, N2 बेटे W2 ऊपर रह गया, 1000 ऊपर रह गया, 1000 नीचे क्या बचा बेटे, नीचे हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है W1, देख लेना बेटे। ये एक्सप्रेशन बेटे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन के लिए काफ़ी है। अबव एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है कैन बी यूज्ड, इसे बेटे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट क्या चीज़ बेटे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, जो सॉल्यूट जिसका आपको पता भी नहीं है उसका मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से भी पता कर सकते हो। इसका नाम एक्सप्रेशन का हमने 2 रख लिया। इन एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 के अंदर, एक्सप्रेशन 2 में क्या है, इन एक्सप्रेशन 2 बेटे M2 कौन है, फिर कौन है बेटे KF कौन है, दो हो गई बातें, डेल्टा TF कौन है, W1 क्या है, W2 क्या है, 1000 तो है ही है जो है बेटे, ये आपने खुद लिखनी। बताओ बेटे क्या कुछ है, M2 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही होता है ना बेटे, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और बेटे दूसरे नंबर पे देखो KF, इसको कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको बेटे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा था ना, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, पढ़ चुके थे हम ये बेटे। ये कौन है, ये बेटे है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, ये कौन है बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटे, और ये कौन है, मास वजन, वेट भी कह सकते हो, M और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, इसलिए मास ऑफ बेटे सॉल्यूट, जो डालोगे, जो इतना आप तोल के डालोगे बेटे, ये जवाब आ गया। अब हमने बेटे देखना है कि ग्राफ से इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे, बेटे ग्राफ हमने बना लिया हुआ है पहले, तो ग्राफ वाले में ग्राफिक एक्सप्लेनेशन, ग्राफ की मदद से इसकी वजाहत कैसे करोगे, तो छोटे छोटे लफ्ज हम लिख रहे हैं 4-5, देखते हैं क्या इसमें करें। पहला नंबर पे मुझे बताएं
जो ग्राफ बनाया वो किस किस के दरमियान बनाया, टम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान। एक बेटे प्लाट कर लो, प्लाट हम कर लें, एक ग्राफ अपनी मर्जी भी कर सकते हो, लाजमी नहीं बेटे ये जो मैं कह रहा हूँ। ग्राफ किस किस के दरमियान, बिटवीन टम्परेचर, टम्परेचर के दरमियान। और बेटे ये एक्स एक्सिस पे ले लेना ना, एक्स एक्सिस पे ले लेना। एंड बेटे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ले लेना आप बेटे वाई एक्सिस पर। ऐसा कर लिया हमने, फिर क्या हुआ बेटे, हमने ग्राफ बनाया तो कैसे ग्राफ बने, वेपर प्रेशर ऑफ बेटे राइजिंग कर्व बने, राइजिंग राइजिंग कर्व्स हमारे पास बने हैं, आर ऑब्टेन्ड बेटे प्रोड्यूस होते हैं विद द इंक्रीज ऑफ टम्परेचर। जब टम्परेचर आ बेटे विद द इंक्रीज ऑफ टम्परेचर, टम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो बेटे फिर राइजिंग कर्व बनते हैं, ठीक है जी। ये भी हो गई बात। तीसरे नंबर पे सोच रहे हैं हम बेटे, जब बेटे कभी वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट का सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, ये सॉलिड सॉल्वेंट वाली बात है, ये बात हम कर रहे हैं। द ग्राफ कर्व, कौन सा कर्व बेटे, ए बी, ए से बी, ए शोज जाहर करता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 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 सॉल्वेंट। देख लेना बेटे ये गड़बड़ ना हो जाए इसमें। और बेटे द कर्व ग्राफ बी सी बेटे शोज वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर बताता है ऑफ किसका बताता है, सॉलिड सॉल्वेंट का। छोटे छोटे लफ्ज बना लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब बताओ बेटे ग्राफ जो डी ई है वो क्या शो करता है। द ग्राफ बेटे, द ग्राफ बेटे डी और ई शोज जाहर कर रहा है, किसको जाहर कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वो लिक्विड सॉल्यूशन का जाहर कर रहा है। देखते भी जाना है आपने अच्छी तरह से, क्योंकि बेटे मैंने सोचना भी होता है, उसको सादा भी करना होता है, गलत भी हो सकता है कहीं ना कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकती हैं गलतियाँ। तो ये बेटे डी और ई शो करता है, देख लो करता है बेटे बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या था, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, मैं एस ओ एल एन लिख देता हूँ। अब मुझे बताएं पॉइंट बी पे क्या हुआ। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे देख लेना ग्राफ में बेटे, पॉइंट बी पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू, बराबर हो गया सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू, बराबर हो गया किसके बराबर हो गया, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो गया एट दिस टेम्परेचर। इधर मैं लिखने लगा हूँ खास बात बेटे, एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीजेस, इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हो गया, सॉल्वेंट बेटे जम गया, फ्रीज हो गया, सो इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये हुआ ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान करना बेटे, कोई सेंटेंस ऊपर नीचे ना होना हो पाए। अब मुझे बताओ बेटे ये तो फिर ये है, ये बी पे तो ये निशान आ रहा है, अब ई पे बताओ क्या हुआ है बेटे, वो समझाना है, वो भी बताना है। एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, ई वाले पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन,
लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का बिकम्स इक्वल टू बराबर हो गया, बिकम्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बिकम्स इक्वल टू बराबर हो गया किसके बराबर हो गया बेटे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के, ध्यान करना बेटे, लिक्विड सॉल्यूशन कह रहा हूँ, सॉलिड में सॉल्वेंट कह रहा हूँ, एट दिस पॉइंट इस टेम्परेचर पे, एट दिस टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे बेटे सॉल्यूशन फ्रीजेस, इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज हो गया, सॉल्यूशन फ्रीजेस इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बेटे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बताओ बेटे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है या ज़्यादा है, ऑफ सॉल्यूशन कम नहीं हो गया बेटे, कम हो गया ना बेटे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर दैन दैट ऑफ सॉल्वेंट, बता रहा हूँ ये बात भी, फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटे ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अब जनरली बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन इज लोअर, लोअर लोअर है देन देन द फ्रीजिंग पॉइंट, देन द फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के मुकाबले में ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर बेटे क्या हो गया, दस हमने नतीजा क्या निकाला, नतीजा ये निकाला कि डेल्टा टी एफ जो हमारे पास आया वो जवाब आ गया बेटे टी नाट में से टी सबट्रैक्ट कर दो, या बेटे हमारी बुक के मुताबिक टी टू में से टी वन सबट्रैक्ट कर दो, आपके पास बेटे डेल्टा टी एफ आ जाएगा, जिस यूनिट में सेल्सियस में लेना चाहोगे आपकी मर्ज़ी है, केल्विन में लेना चाहोगे आपकी मर्जी है, तो ये है बेटे इसका कंसेप्ट, और बाकी इसकी मेजरमेंट हमारी रिमेनिंग है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, कोई क्वेश्चन होगा तो